हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभीपीडिया ऑनलाइन क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। तो जो आज की हमारा सेशन होने वाला है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अपकमिंग संडे को सिविल सर्विसेज का प्रीलियम एग्जाम होगा, उसका जो पेपर टू है जो कि सीसेट का होता है, उसको किस तरीके से हमने अटेम्प्ट करना है। क्योंकि देखो, सीसेट एक ऐसा पेपर है जो है तो क्वालिफाइंग, लेकिन इसको पास करने में, क्वालिफाई करने में कई बार कई स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम होती है इसमें, ठीक है ना। तो देखो, सीसेट की अगर हम बात करें तो सीसेट में टोटल आपको 80 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनकी वेटेज होती है टोटल 200 मार्क्स, ठीक है। और ये जो हमारा एग्जाम होगा, ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको इसमें चाहिए होंगे 66 मार्क्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 27 करेक्ट क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, करेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो देखो, वैसे तो इसको पास करना काफ़ी ईजी है, लेकिन उन स्टूडेंट्स को कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है जिनकी प्रैक्टिस कम होती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप सीसेट में इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। साथ में हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड भी देखेंगे कि लास्ट ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और किन क्वेश्चंस को आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, पहले हम 2018 को देखते हैं कि 2018 में क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास रहे थे। देखिए, जो हमारा सीसेट का पेपर 2018 का था, उसमें टोटल 4 सेक्शन आए थे, जिनमें 80 क्वेश्चंस में से पहला सेक्शन था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ वाला सेक्शन होता है, और इसमें आपको 18 क्वेश्चंस मिले थे, 18 क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा सेक्शन हमारा आया था डीआई का, डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसके आपको मिले थे 14 क्वेश्चंस, ठीक है जी। थर्ड हमारे पास आया था रीजनिंग का सेक्शन, और रीजनिंग में थे टोटल 20 क्वेश्चंस, ठीक है। फोर्थ जो सेक्शन था वो था इंग्लिश का प्लस डिसीजन मेकिंग, इंग्लिश प्लस डिसीजन मेकिंग। अब देखो, इंग्लिश के जो आपको क्वेश्चंस मिले थे वो थे 28, और डिसीजन मेकिंग के 0 क्वेश्चन था। मतलब डिसीजन मेकिंग जो है वो लास्ट जो एग्जाम में आया हुआ है वो आया है 2013 में। तो 2013 के बाद आपको डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये क्वेश्चन आपके थे 2018 के, ठीक है। तो अगर हम इस साल की बात करें 2019 की, तो कुछ इसी तरीके से ही सिमिलर कुछ पैटर्न हमारा रहने वाला है। अब चेंज क्या चीज़ हो सकती है, कि हो सकता है कि आपको डीएम के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपको क्वेश्चंस बन जाए, तो डिसीजन मेकिंग के मान लो अगर आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे वो इधर से कहाँ कम होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कि हो सकता है कि 4 क्वेश्चन डीआई के कम हो जाए, ठीक है, 4 क्वेश्चन डीआई के कम हो जाए, और एक आधा क्वेश्चन इंग्लिश का कम हो जाए, ठीक है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन फिक्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और क्वांट के भी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके भी आपको 18-20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। डीआई की बात करें तो 2018 में जो डीआई आई है वो 3-4 सालों के बाद पूछी गई है, इससे पहले 2014 में आई थी। तो इसके पूरे चांसेस है कि इस बार भी आएगी आएगी, चाहे 10 क्वेश्चन क्यों ना आए, लेकिन ये रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो देखो, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हो, तो इन 80 क्वेश्चंस में से सबसे पहला काम, सबसे पहले आपने कौन सा करना है सेक्शन, सबसे पहले हम डीआई करेंगे, ठीक है ना। हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी, मैं प्रायोरिटी लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि फर्स्ट नंबर पे हमने किस चीज को अटेम्प्ट करना है, डीआई, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि डीआई सबसे आसान चीज होती है, आपको इसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिनसे आप कर सकते हो इसको, ठीक है जी। जब आप इसके 10 क्वेश्चंस कर लोगे, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, तो 10 के 10 आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है जी। देखो, 10 क्वेश्चन मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, लास्ट ईयर 14 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अगर हम 10 क्वेश्चन भी मान के चले तो आपको ये 25 मार्क्स देके जाएंगे, ठीक है जी, 25 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने कौन सा सेक्शन करना है, दूसरे नंबर पे हम करेंगे रीजनिंग वाला सेक्शन, ठीक है जी, क्योंकि रीजनिंग भी काफ़ी आसान पूछी जाती है। आपको जो फिगर्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, ये आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 में से भी आप 10-12 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है। मान लो अगर आप इसके 12 क्वेश्चन कर लेते हो, तो ये आपको 30 मार्क्स देके जाएंगे,
ठीक है, बस ध्यान में रखनी है एक बात कि नेगेटिव आपने बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है, गलत अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप गलत अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, ठीक है जी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मीनिंग क्या है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके जो नंबर कटेंगे वो कटेंगे 0.83, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है ना, तो 2.5 का 1/3 करता है वो, तो कितना आएगा 0.83 रफली, हम कहें तो लगभग एक नंबर आपका कट जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पे, ठीक है ना। तो आपने गलत नहीं करना बिल्कुल भी, जो आपको आता होगा उनको ही आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जब आप डीआई और रीजनिंग कर लोगे, तीसरे नंबर पे आपने ये चेक करना है कि क्या डिसीजन मेकिंग का कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है, ठीक है। क्योंकि अगर डिसीजन मेकिंग का आपको एग्जाम में आएगा, वैसे देखो चांसेस बहुत रेयर हैं, लेकिन अगर हम 10% प्रोबेबिलिटी भी देखें, अगर आपको डिसीजन मेकिंग एग्जाम में आता है तो इसके पांचों के पांचों क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 5 के 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है, डिसीजन मेकिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी आपको, तो आपने दी इसके डिसीजन मेकिंग के 5 के 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। अब देखो मान लो अगर 2-3 आपके सही भी हो गए, तो हम अगर मान लो हम 2 क्वेश्चन भी अगर करेक्ट मान के चले तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। हालांकि देखो आपके 3-4 ठीक सही हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 भी सही होते हैं तो 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपने आना है वापस क्वांट में, ठीक है। अब क्वांट के देखो सारे क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन 4-5 क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, जैसे एजिस का क्वेश्चन आप कर सकते हो, वोट एंड स्ट्रीम का आप क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर कोई भी जो आपने 3-4 टॉपिक करे होंगे उनके क्वेश्चन आप पिक कर लो, क्योंकि देखो 18 क्वेश्चन है, 18 टॉपिक्स है, हर एक का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको 4-5 टॉपिक आते हैं, उनके आप अगर आप 5 भी क्वेश्चन कर लेते हो, 5 क्वेश्चन भी अगर आप अटेम्प्ट करते हो, तो 12.5 आपके मार्क्स आ जाएंगे, और सिर्फ इसी चीज से ही आपका पेपर इजीली क्वालिफाई हो सकता है। क्योंकि अगर हम मार्क्स काउंट करें अभी तो 25, 30 और 5, ये 60 हो गया, 60 और 12.5 कितना बनता है 72.5, ठीक है ना। और इतना करने के बाद अगर आपका टाइम बचता है, जो कि बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको कितना टाइम लगेगा, हार्डली 15 मिनट अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो, अगर किसी की प्रैक्टिस ज्यादा है तो वो 10 मिनट में भी कर लेगा, 5-6 मिनट में भी कर लेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आगे, इसको 12 क्वेश्चन करने के लिए आपको लगेंगे रफली इसको भी 15 मिनट से लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये 30 मिनट्स यहाँ पे हो गए, 30 के बाद 10 मिनट्स यहाँ पे आ जाएंगे, 40 मिनट, 40 के बाद 10 मिनट्स इन 5 क्वेश्चंस का लगा लो 50 मिनट, तो अभी भी आपके पास 70 मिनट्स बचे हुए हैं, क्योंकि 2 आवर्स का एग्जाम होता है, ठीक है। अभी भी जो 70 मिनट बचे हुए हैं ना, वो 70 मिनट्स आप फुली डेडिकेट कर सकते हो इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश के हैं 28 क्वेश्चंस, ठीक है। और आपको जो इंग्लिश सेक्शन आता है उसमें ज्यादातर क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा एनालाइजिंग होता है, क्योंकि आपको एक कॉम्प्रिहेंशन के नीचे एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो एक कॉम्प्रिहेंशन एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर आप इसके भी, फिर से एक बात कह रहा हूँ कि गलत अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। अगर आपको 100% श्योरिटी लगती है तो आप अटेम्प्ट करो, अगर मान लो इसके आप 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो, तो इंग्लिश आपकी ऐसी तो होगी कि आप कम से कम 10 तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप ये 10 सॉल्व कर लेते हो तो ये भी आपको 25 मार्क्स देके जाएंगे, और आपके जो मार्क्स होंगे वो 90 अबव इजीली हो जाएंगे, ठीक है ना। मार्क्स आपके 90 अबव चले जाएंगे, लगभग 95 के अराउंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है वो इजीली क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो मेन क्या है कि मैनेजमेंट कैसे करनी है एग्जाम में, सबसे मेन मैनेजमेंट ही होती है। अगर आप ये कहो कि नहीं हम सीरियल वाइज चलेंगे, मान लो पहले हम पॉइंट के 18 क्वेश्चन ही करेंगे, तो हो सकता है कि आप इस पे 40 मिनट्स लगा दो, 45 मिनट्स लगा दो, उसमें भी कुछ गलत अटेम्प्ट कर दो, तो ऐसा काम नहीं हमने करना। स्टार्ट हम करेंगे बिल्कुल ईजी से, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं करना है कि मान लो हमारा GS अच्छा हो जाता है, लेकिन एक CSET की वजह से हम मेंस के लिए नहीं पहुंच पाते, ठीक है ना, या फिर हम प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसीलिए CSET काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मेंस में एंटर करने के लिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो CSET आपका 99% क्लियर होने के चांसेस हैं, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि CSET को कैसे पढ़ा जाता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।